हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 600 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब बात करेंगे 601 से आगे। याद रखिए, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं आप लोग। 600 क्वेश्चन तक जनरल साइंस के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। 601 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किससे निसंक्रामक तत्व नहीं है? तो याद रखना, आग आग निसंक्रामक तत्व नहीं है। फिनाइल है, स्वच्छ जल है, टिंचर आयोडीन है। ठीक, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, ए ऑप्शन है दूसरे क्वेश्चन का। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो याद रखना, कोयला। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो याद रखना, ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? तो याद रखना, O3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो याद रखना, स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है खुरदरी सतहों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू खाना पकाने की गैस की मुख्य रूप से होते हैं? तो याद रखिए, इसमें होगा आपका डी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई? वह है, तो याद रखना, प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 10, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है SiO2। क्वेश्चन नंबर 11, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? तो याद रखना, CO2 में। सी ऑप्शन सही है, O2। ठीक है। द्वि आबंध में एक पीआई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, C6C14 और 7N14 उदाहरण है, याद रखना, संभारित, संभारित उदाहरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? तो याद रखना, 1H2, 2H2, 2P6। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक नाभिक का समूह है? तो याद रखिए, इसमें होगा ए ऑप्शन सही, 6C14, 7N14, 9F17। ए ऑप्शन सही है, सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है? यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव खोलता है तब तो उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संघटक है? तो याद रखना, इसमें AlOH3। ठीक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, खाद्य पदार्थों के डिब्बों में की आंतरिक सतह पर टिन से पुती होती है ना कि जस्ते में, क्योंकि?
जस्ता 10 से अधिक क्रियाशील होता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 19। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे दे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं, पर उसका भार काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभव हो सकता है। तो 19 में आपका होगा सी। क्या होगा 19 में? सी, सांद HCl और सांद HNO3 का मिश्रण। ठीक है, सी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 20। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक आदमी, इसमें HCl और सांद HNO3 का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके धक्का बना देती है। क्वेश्चन नंबर 21। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है विस्थापन का, विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की विक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। किंतिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए पर्याप्त उपयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य सिल्वर आयोडाइड AgCl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। मरकरी है, तो याद रखना द्रव धातु। क्वेश्चन नंबर 25। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब पैदा होती है जल। क्वेश्चन नंबर 26। रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, याद रखना जल में। क्वेश्चन नंबर 28। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है, जिसके कारण दर्द और जलन होती है, अतः अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? याद रखना मेथाइल मेथेनोइक अम्ल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती हैं और तांबे की लाल भूरी सतह कीलों पर जम जाती है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31। जैविकी में जल विलेय पदार्थों को कहा जाता है, तो याद रखना जल रागी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? तो याद रखना चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 33। फरक नली में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? तो याद रखना लाल लेटमस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34। सूची एक और सूची को दो को सम्मिलित करना है। तो चलिए इसके हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। डायरेक्ट मॉर्फिन, एनाल जेसिक, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर, मिश्र धातु। ठीक है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो याद रखिए कांसा। बी ऑप्शन सही है, 90% होता है। क्वेश्चन नंबर 36। सूची एक प्रकृति में प्राप्त पदार्थ और सूची दो में तत्व सम्मिलित करना है। तो हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, मणिक रूबी एल्यूमिनियम। तो आपका क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन, हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, मणिक रूबी एल्यूमिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। खनिज क्या है? तो आपको बता देना है अकार्बनिक ठोस। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? तो याद रखिए जिप्सम, बॉक्साइट, मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? तो याद रखना
पारदिक मरकरी ऑक्साइड की उष्णता। क्वेश्चन नंबर 40, खाद्यान्न खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 41, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध हैं, फास्फोरस। एक बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है? प्रकाश संश्लेषण। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो याद रखिए SO2। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो याद रखना पानी में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना एंटीबायोटिक्स, क्विनिन, ये सम्मिलित नहीं है, और बाकी तीनों सम्मिलित हैं। एंटीफिज यौगिक, एथिलीन ग्लाइकोल, एंटीनॉक एजेंट टेट्राएथिलेड, एंटीऑक्सीडेंट बी कैरोटीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल की टर्मिनलों को बनाता है? तो या जिंक, कार्बन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित विस्फोटकों में से जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें बोड़ो मिक्सचर, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण, इसे फफूंदी रूप में प्रयोग होता है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होती है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। और हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। इसमें डी ऑप्शन होगा, याद रखिए डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। इसमें हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है। नाइट्रिक नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। इसमें ए को भूल जाइए क्योंकि गलत छप गया होगा, लेकिन डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है। 68, 48 में क्वेश्चन नंबर 648 में है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 49, बकमिंस्ट फ्लोरीन है, तो याद रखना ए ऑप्शन है, कार्बन का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का सरच गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बहुफलकीय संरचना से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयोग होता है? तो याद रखना एथिलीन ग्लाइकोल। कौन आगे बात करते हैं, 51 क्वेश्चन नंबर, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? तो पॉलीएमाइड। ठीक है। ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, मोती का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखना केवल केवल कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित जल स्रोतों में से किसमें एक के जल को की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? भौमजल। क्वेश्चन नंबर 54, सीमेंट के ग्राइंडिंग विक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित करना। क्वेश्चन नंबर 55, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो याद रखना मेथेन। क्वेश्चन नंबर 56, न्यूट्रॉन पंप की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगी सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 57, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो याद रखना, मैथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 59, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो याद रखना, इसमें जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से विषम कौन सा है? तो याद रखना, बोझा चूना, बोझा चूना। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? शीशा। क्वेश्चन नंबर 64, पारत मिश्रण इनमें से क्या है? मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो याद रखना, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो याद रखना, भंगुरता। क्वेश्चन नंबर 67, पितिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 68, औद्योगिक वही स्राव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया? एलिफेंट ग्रास। क्वेश्चन नंबर 69, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, इसमें संवेदनाहारक और फॉस जीन उत्पन्न करना। ठीक, 1, 2 और 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? तो याद रखना, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन इससे नहीं की जाती है, जल का विद्युत अपघटन इससे की जाती है, द्रव वायु का प्रवाही आसवन इससे भी, पोटेशियम पर मैग्नेट का वियोजन इससे भी। डी ऑप्शन है 71 का। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस में मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? वे हैं, तो याद रखना, यौगिक। क्वेश्चन नंबर 73, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? तो याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 74, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धुआं और कोहरा से। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर ऑक्साइड के। ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। सी ऑप्शन है 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, किसी विद्युत अपघट की सह असंलग्नता संलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? विलयन की विधि पर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? 3 और 4, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया और CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 79, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पाउडर प्रकार। क्वेश्चन नंबर 80, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसीय पदार्थ। ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। क्वेश्चन नंबर 82, पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो इसमें याद रखना, जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु से संपर्क बिना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए
जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? निक्रोम, नाइक्रोम भी बोलते हैं इसे, ठीक। 84, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 85, पेय जल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण Mg प्रति एल है 0.05। क्वेश्चन नंबर 86, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। क्वेश्चन नंबर 88, किसी अम्लगम का एक घटक मृदा होता है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 89, पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है कार्बन और डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90, स्टेनलेस स्टील में पर्याप्त होता है लगभग 14% यादें, ठीक है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन, जल में आर्सेनिक की अनुमति ऊपरी सीमा है 0.05 mg/L, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? तो याद रखना है बेरंजीन। क्वेश्चन नंबर 93, एस्बेस्टोस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 94, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? पेंट का। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 96, सेट्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 57, फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। क्वेश्चन नंबर 98, रियान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग होता है? याद रखना सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 99, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, कई बार पूछा जा चुका है इनसे, मैथिल आइसोथायो साइनेट, ठीक है, 1984 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 700, 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन और तैयार करने वाले विलयन की मोलता क्या होगी? तो 0.8, ठीक है। तो ये थे हमारे 700 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से संबंधित। अब 701 से आगे बात करेंगे हम लोग आगे।